तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। सबसे नीचे राम राम लिखते हो, जब जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टिव होता है। गाइस मुझे लगता है कहीं ना कहीं फाइव डोर थार का क्रेज टाटा कर्व ने बहुत दबा और उसके पीछे सारा क्रेडिट खुद महिंद्रा को ही जाता है। इतने सालों से वो लोग टेस्ट करने लग रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, एज कंटेंट क्रिएटर अगर मैं अपनी लास्ट की दो वीडियोस देखूंगा तो फाइव डोर थार पे जो है इतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ से, बट टाटा कर्व पे जो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीज तो समझ में आ जाती है कि लोग जितने भी हैं वो टाटा कर्व के लिए ज्यादा एक्साइटेड। चलिए अच्छी बात है, दोनों अपनी इंडियन ब्रांड ही है तो इसमें क्या। खैर गाइस आज आ चुकी है हमारे पास सबसे पहले एक्सक्लूसिव इमेज। दिन में जो मैंने इमेजेस दिखाई थी आपको, मैंने बोला था कि शाम तक और इमेजेस आ जाएंगी, तो दिन में जो है फटाफट एक वीडियो बना दी थी 9:15 का मैंने प्रॉमिस करा था, तो उसी टाइम पे जो हमें वीडियो लेके आ रहा हूं। एनीवेज गाइस देखिए, सबसे पहले हम लोग आपको यहां पे बात करते हैं, ये है अपनी फाइव डोर थार का सबसे एक्सक्लूसिव लुक जो आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा। अब देखिए फ्रंट की मैं बात करूं तो फ्रंट में जो आपको हाफ सी टाइप जो है एलईडी विद डीआरएल मिल जाती है, नीचे बीच प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बीच में आ जाए यहां पे ना, मैंने ग्रिल में थोड़ा सा काम करा है कि अगर आप लोग ब्लैक ग्रिल लगवाते हैं, देखिए आफ्टर मार्केट तो हर कोई मेरा भाई जाएगा ही, तो मैंने रेड कलर चूंकि लीक हुआ है तो मैंने थोड़ा सा एडिट करके यहाँ पे एडिटिंग करके जो ग्रिल है उसको ब्लैक किया, तो आप लोग खुद बताइए कि ब्लैक कलर में आप लोग कैसे लग रही है। मेरे हिसाब से ना ब्लैक कलर में भी अच्छी लगने लग रही है। तो आप करोल बाग जाओगे तो करोल बाग वाला थोड़ा सा जो आइडिया मैंने आप लोगों को पहले यहाँ पे दे दिया है कि अगर करोल बाग में जाके कराते हैं आप तो ये वाला कलर जो है ब्लैक में आपको देखने को मिलने वाला है। खैर गाइस ये तो थी एक मजाक की बात, अब इस तरह आगे बात कर लेते हैं। खैर गाइस ये तो थी एक मजाक की बात, पर आप खुद लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो मतलब ग्रिल है कब ज्यादा सही लगने लगी। इसके बाद आ जाते हैं अपने स्टॉक इमेजेस पे जो थी। अब देखिए गाइस ग्रिल के बीच में आप लोग देख रहे हो तो आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ अगर हम बंपर पे गौर करें तो ड्यूल कलर के बंपर जो है हमें वो देखने को मिल रहे हैं। महिंद्रा में पहले भी आते थे बट बीच में उन्होंने कॉस्ट कटिंग करके जो अपनी थार थ्री डोर थी उसमें से बंपर हटा दिए थे, यानी कि ड्यूल कलर के उन्होंने ब्लैक देना स्टार्ट कर दिए थे, बट अभी स्टार्टिंग में फाइव डोर थार जो है इसमें आपको ड्यूल कलर के जो बंपर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। बंपर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडिफाइड लग रहा है, ऐसा लग रहा है रेट्रोफिट है, ओरिजिनल वाला नहीं लग रहा, बट ठीक है जो भी है, अब नहीं कुछ लुक्स देना था। और एक चीज आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, आपकी जो थ्री डोर थार है उसमें भी आप ये सेम बंपर लगा, अगर लगवाना है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, हम लगवा देंगे। कह रहे हाँ ये है आपके बंपर, ऐसे कुछ आपको जो बंपर्स हैं फ्रंट में वो देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड हम लोग, ऊपर में क्या है तो यहाँ पे ये जो कलर है ना ये रेड कलर नहीं है, इसको एक शायद से वॉल्केनिक कुछ कलर करके आने वाला है, मैं कंफर्म नहीं हूं चीज का, बट वॉल्केनिक रेड करके शायद इस कलर को लॉन्च करा जाएगा। ऊपर की तरफ देखें यहां पे तो एक छोटा सा मेरे को ये डाउट था कि शायद से इसमें जो है एडास आएगा, बट अभी तक इसको देखने में क्लियर इमेज आई है उसमें देखने में लग रहा है कि ऊपर जो है ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स वाली जो मतलब वो दिया गया है ऊपर जो विंडशील्ड है ये वाली चीज जो आपको फ्रंट से दिख जाती है। अब कुल मिला के भाई यहां पे बात करें इसका एक और कलर जो है अपने मोटो बोबी जी चैनल करके गई है, उन्होंने थोड़ा सा कलर चेंज करा है तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप दूसरे कलर में लेते हो तो ये जो है वॉयलेट कलर में कुछ अच्छी लगी, सेम इसी कलर में जो है अगर आप लोगों ने देखा होगा माफ करिए, सेम इसी कलर में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमारी रूबीकॉन भी आते हैं, तो रूबीकॉन वाला जो कलर है ये यानी कि वॉयलेट कलर जो है कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है लिख के बता। अच्छा गाइस उसके बाद अगर हम यहां पे बात चीज एक और करें, देखिए अब आ जाते हैं लोग साइड प्रोफाइल। अब साइड प्रोफाइल में इस गाड़ी में कई सारी चीजें जो हमें देखने को मिलती है। पहली बात मैं बता दूं ये जो इमेज है इन्वर्टेड है, क्योंकि थार पे अगर आप साइड मिरर पे गौर करेंगे तो उल्टा लिखा है, तो इसको चलिए एक बार सीधा कर, तो ये ड्राइवर साइड की तरफ से हमारा जो है वो व्यू रहेगा बेसिकली। यहां पे अभी किसी भी टाइप की बैजिंग नहीं करी गई कि अर्माडा नाम से आने वाली है थार, बट एक्सपेक्टेड यही है कि थार अर्माडा नाम से ये जो आने वाली। उसी के साथ साथ गाइस साइड की तरफ मैं चलूं तो पीछे की जो स्पेस है यानी कि पीछे की सीटिंग है उसके ऊपर हमने आपको पहले भी दिखा दिया था इंटीरियर में, हम लोग बाद में बात करेंगे यहां पे। यहां से देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है हमें, तो ये चीज है सबसे पहले तो अगर आप ऊपर सनरूफ पे गौर करेंगे तो गाइस सनरूफ जो है वो पैनोरामिक सनरूफ आने वाली, नॉट XUV 700 वाली, बट हां महिंद्रा की XUV 3XO में जो पैनोरामिक सनरूफ आती है शायद से वही वाला सेटअप जो है इसमें भी यूज करा गया है। XUV 3XO वाली सनरूफ जो है आपको मिलेगी, सिंगल पेन वाली नहीं मिल रही, डबल पेन वाली मिल रही है, PANE बोला जाता है इसको, तो डबल पेन सनरूफ जो यहां पे देखने को मिल रही है। इंटीरियर पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको बेज कलर का इंटीरियर जो है वो यहां से समझ में आ रहा होगा। साइड से अगर मैं बात करूं तो पीछे भी जो है स्पेस अच्छी खासी दी गई, यहां से आप लोग कुछ नहीं बोल सकते हो। नीचे जो है यहां पे आप लोगों को ऑलरेडी फुटस्टेप या फुटरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ ग्रैब हैंडल्स वगैरह जैसी चीजें जो है वो साइड से हमें नजर में आने लगे। तो देखिए ये तो थी अब दो इमेजेस पे बात, अब आ जाते हैं एकदम सबसे पीछे की तरफ। हम लोगों को पीछे वाला एरिया जो है वो तो समझ आ रहा था आज तक कि थार हमारी थ्री डोर रहेगी, ऐसा ही कुछ रहेगा, बट जो सबसे पीछे वाला होगा वो मुझे कहीं ना कहीं अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा। देखिए हल्का सा जो कटआउट यहां पे नजर में आ रहा है ना वो इतना समझ में नहीं आ रहा। अच्छा इसके लिए एक रेफरेंस में मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, गार इंडिया ने एक बार इमेज बनाई थी ये, तो इसमें अगर आप लोग गौर कर रहे होंगे 100% यही वाली जो इमेज है मतलब ऐसा ही जो डिजाइन आने वाला है। अब देखिए ये वाला जो व्हाइट कलर में तो सही लग रहा है और ब्लैक कलर में भी सही लगेगा क्योंकि शीशे में इतना डिस्टेंस नहीं पता चलेगा, बट शायद से दूसरे कलर जैसे कि अभी आप ये रेड कलर ही देख रहे हो इसमें इतना ज्यादा मेरे हिसाब से कंट्रास्ट में नहीं बैठने लग रहा, बट हाँ ठीक है चलो पीछे जो आपको मेरा देख। अब आ जाता है आप लोगों को बहुत डाउट कि 7 सीटर में आएगी, 5 सीटर में आएगी, तो 5 सीटर में आने लग रही है, 7 सीटर में इसमें कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ इसमें जो है आप लोगों को बेसिकली 4 इंजन देखने को मिलने वाले हैं, एक तो जो है
अपना अभी तक अपनी थार 3 डोर में ही आता था, सेम वो इंजन मिलेगा 2.2 लीटर का एम हॉक जो डीजल इंजन आता है, वो थोड़ी सी पावर एक्स्ट्रा मिलेगी। पेट्रोल में आप लोगों को यहाँ पे 4x2 में जो अपना 2 लीटर का है वही मिलेगा, और जो अपनी 5 डोर है 4x4 उसमें भी 2 लीटर का ही मिलेगा एम स्टैलियन जो आता है। बट यहाँ पे डीजल इंजन जो होगा अपनी जो 4x2 उसमें आपको 1500 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, 1.8 सेम इंजन है जो मराजो में यूज करा गया एंड XV3X यूज करा गया। अच्छा, इस इंजन के साथ एक छोटी सी मैं खराब बात बताता हूँ। अब आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे कि गाड़ी जो है फंसी, मतलब फंसने लग गई यहाँ पे। तो गाइस ये गाड़ी ना बहुत ही ज्यादा बड़ी है, एंड यहाँ पे आप लोग लगा लो कि एक इतनी बड़ी गाड़ी में 1500 सीसी इंजन कहीं ना कहीं मुझे अंडर पावर्ड लगता है। तो आपको खुद ही दिख रहा होगा ऑफ रोडिंग करने के लिए जो है यहाँ से गाड़ी खुद बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती, तो ये चीज तो भैया आपको भी फेस करनी पड़ सकती है। जैसी भी बात है, चलिए गाइस आ जाते हैं अपने एक सेकंड ऑब्जर्वेशन पे यहाँ पे कि जो उसकी ऊपर हार्ड टॉप है, ये हार्ड टॉप आपको दिख रहा है ड्यूल कलर में, तो हर एक जो कलर उसमें ड्यूल कलर में देखने को मिलेगा। बॉडी कलर्ड हार्ड टॉप यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि सामने जो आपको दिखने लग रहा है ये टॉप एंड वेरियंट है, एंड इसमें भी अगर ड्यूल कलर आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है जो और भी वेरियंट में ड्यूल कलर ही आएगा, यानी कि मेटल का तो ये हार्ड टॉप फाइबर का नहीं है बट बॉडी कलर नहीं होगा, ये आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। तो चलिए महिंद्रा ने ये चीज भी अपनी वैसी रखी है, हमारी जो पुरानी वाली जो थार थी उससे हम लोग कुछ चीजें जो है वो कह रहे हैं। अच्छा गाइस इंटीरियर में भी आज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इंटीरियर में आपको बेज कलर के इंटीरियर मिलने वाले हैं, स्टीयरिंग व्हील ऑल न्यू है, उसी के साथ साथ आप लोगों को साइड के जो पैनल्स हैं उसी पे आपके पास विंडोज ऊपर नीचे करने वाली मिल जाएंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सनरूफ भी थोड़ी थोड़ी जो दिखने लग रही है। उसी के साथ साथ पीछे की तरफ चल जाए, कई मेरे भाइयों को डाउट था कि गाइस पीछे की तरफ कितनी स्पेस आएगी, तो आप पीछे की स्पेस देख सकते हो, अच्छी खासी स्पेस है जिमनी से तो बहुत ज्यादा। एंड कहीं ना कहीं जो अभी थार 3 डोर आप लोग देखते हो एग्जिस्टिंग, इससे भी ज्यादा जो स्पेस है वो आप लोगों को इस वाली में 5 डोर में मिलने वाली है। एसी वेंट जो है वो भी अपने पीछे दिए गए यहाँ से आपको दिख रहे होंगे। बूट स्पेस भी इस गाड़ी की काफी ज्यादा अच्छी है, यानी कि अच्छे से अगर बेस ट्यूब भी रख लोगे तो उसके बाद भी जो सामान वगैरह है आपका इस गाड़ी में आ सकता है। तो गाइस आज तो कुछ यही अपनी इन्फॉर्मेशन और जो गाड़ी है उसकी वीडियो लीक हुई थी। बाकी बात करा जाए तो यार इंजन देखो, एक बस ये कह रहा हूं मैं, 1.5 लीटर वाला जो डीजल इंजन है शायद से आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है क्योंकि अभी वाली जो थार है उसमें भी कहीं ना कहीं अंडर पावर्ड देखने को मिलता है। तो ये वाली जो आएगी और भी ज्यादा वजन के साथ आने वाली है, वेट के साथ आने वाली, तो इस 100% लेगा ही। इसके साथ साथ एक छोटी सी न्यूज और आपको और दे दूं, आज जो है अपनी निसान एक्स-ट्रेल लॉन्च हो चुकी है इंडिया में। ये अकेली अब ऐसी गाड़ी बन जाएगी जो फॉर्च्यूनर की कंपटीटर है। एमजी ग्लॉस्टर इतनी सेल्स नहीं कर पाती थी, शायद से निसान एक्स-ट्रेल जो है ये आपको गाड़ी देखने लग रही है, ये आने वाली है। तो अगर आपका बजट इतना तक जाता है तो आप इसके लिए वेट कर सकते हो। हालांकि दोनों अलग सेगमेंट की गाड़ियां, बट फिर भी एक न्यूज आपके साथ शेयर करनी थी तो वो मैंने जो है शेयर। तो चलिए वापस अब 5 डोर थार के ऊपर आ जाते हैं, इसका प्राइसिंग क्या कुछ रहने वाला है। तो गाइस जितना मुझे एक्सपेक्टेड है इसका प्राइसिंग, जो स्कॉर्पियो एन है उतना ही आपको इसका प्राइसिंग देखने को मिलेगा। 19-20 हजार तो मैं कहता नहीं ऊपर नीचे, बट हाँ ये जो प्राइस है स्कॉर्पियो एन जिससे स्टार्ट हो रही है वहां तक आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि स्कॉर्पियो एन ही इस गाड़ी की सबसे बड़ी कंपटीटर बनेगी अपने के अंदर। स्कॉर्पियो एन में आपको सारे फीचर्स मिलते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी लोगों को यहाँ पे स्कॉर्पियो एन ली जाए। तो वही है कि गाइस जो स्कॉर्पियो एन वाला प्राइसिंग है वो आप एक्सपेक्ट करेगा। कुल मिला के स्कॉर्पियो एन की ही चेसी पे बनी हुई है, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ लुक्स वगैरह अलग करके बॉडी वगैरह। तो 15 अगस्त तक का वेट करते हैं, आज से डायरेक्ट 1 महीने बाद जो है ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी, हम लोगों को जो है मतलब जो भी रिव्यू कर पाएंगे आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, 5 डोर थार अर्माडा के ऊपर जितनी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर सकता था फटाफट मैंने कर दी है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई, अगर किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मेरे से जाकर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपके सारे के सारे जितने भी डाउट क्लियर। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही था, उम्मीद करता हूं पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएंगे, मिलते रहेंगे आपसे ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद। तो गाइस वीडियो बनाने के दौरान मैं एक चीज़ भूल गया था कि इसमें 360 कैमरा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, साइड वाला अगर मिरर देख रहे होंगे तो उस पर आपको दिख रहा होगा। तो 360 कैमरा एंड वेंटिलेटेड सीट्स जो है वो भी आपकी 5 डोर थार में आने वाली है।